तखतगढ़ नगर पालिका आबादी में सुमेरपुर के बाद दूसरा बड़ा कस्बा होने के बाद भी आज तक उप तहसील नहीं बन सका। राजनीतिक दलों ने पालिका चुनाव में किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। दोनों दल इसके प्रति गंभीर नहीं होने से शहरवासियों में रोष है। आपको बता दें, नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में तखतगढ़ को उप तहसील का दर्जा दिलाने की घोषणा की थी। चुनाव के बाद भाजपा का बोर्ड बन गया, लेकिन वादा अभी तक ठंडे बस्ते में ही पड़ा हुआ है। उधर प्रदेश में सत्ता होने के बाद भी कांग्रेसी नेता इसके बारे में गंभीर नहीं है, जिसके कारण आज कस्बे वासियों को हर छोटे बड़े कार्य के लिए सुमेरपुर जाना पड़ता है। तो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो मांगे होती है विभाग वाइज मांगे, तो राजस्व विभाग की जो मांग थी उसमें मैंने लिख करके भी दिया कि वहां तखतगढ़ में उप तहसील बनाई जाए। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि तखतगढ़ को उप तहसील बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। वापस विधानसभा सत्र आएगा तो उसमें पुनः उस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। देखो, 25-26 साल हो गए दोनों पार्टी के नेता जनता को आश्वासन देते हैं और भाजपा वाले कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस वाले भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं, और ये जनता यही मुद्दा है कि हमारी उप तहसील होनी चाहिए, लेकिन रोज हर टाइम ये गुमराह करके नेता चले जाते। हमने बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव बना के भी भेजा था कि ये उप तहसील होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, पर्यटक मंत्री महोदय को भेजा था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं। जब भी जिस किसी का बोर्ड आता है, चाहे वो भाजपा का आओ चाहे कांग्रेस का आओ, प्रस्ताव बना करके हमेशा भेजा जाता है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3-5 रहता है। इसलिए या तो तखतगढ़ के जो कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता है उनमें ही दम नहीं है। हमारे बोर्ड में भी लिया गया था इसको, पर कोशिश भी जारी है, और हमारे एमएलए साहब ने भी इसको विधानसभा सत्र के अंदर एनआरए इस मुद्दे को उठाया, और पर क्या कर सकते हैं कि अभी सरकार है कांग्रेस की, तो उस वजह से तो अभी ये सिलसिला, हमने तो हमारी तरफ से प्रयास जारी रखे हैं, पर आगे अब क्या होता है, अगर हमारी सरकार आती है तो आगे हम और कोशिश करेंगे। हमने तो कभी उप तहसील के बारे में नहीं बोला था, और जनता की यहाँ से डिमांड जरूर थी, और भाजपा का तो ये मेन मुद्दा था उप तहसील बनाने का, इन्होंने हर चुनाव में उप तहसील बनाने के लिए कहा था, लेकिन आज दिन तक तखतगढ़ की जनता उप तहसील का इंतजार कर रही है कि सरकार तक बात पहुंचे और उप तहसील बने। यहाँ जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।